एलएसी पर चीन की हिमाकत जारी। 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच चीन ने 4 बार चलाई गोली। 7 और 8 सितंबर को भी पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर हुआ था तनाव, चीन ने चलाई थी गोलियां। भारतीय सेना ने दिया माकूल जवाब, उकसावे की कार्रवाई को रोकने के लिए भारत की तरफ से किए वार्निंग शॉट फायर। सेना ने पेंगोंग के उत्तरी छोर पर देखी चीन की सेना की संदिग्ध हलचल, सेना की तैनाती में इजाफा। राज्यसभा में गृह मंत्रालय का बयान, 6 महीने से भारत चीन सीमा पर घुसपैठ की कोई कोशिश सफल नहीं। ड्रग्स मामले में सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर से एनसीबी की पूछताछ, श्रुति मोदी पहुंची एनसीबी के गेस्ट हाउस। जया साहा से एनसीबी करेगी सवाल जवाब, पूछताछ के लिए भेजा गया समन। ड्रग्स रैकेट पर सुशांत की मैनेजर से हो सकते हैं सवाल जवाब, नशे की पार्टियों पर भी पूछताछ मुमकिन। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती आज बॉम्बे हाईकोर्ट में दे सकती हैं जमानत याचिका, भाई शौविक भी लगा सकते हैं अर्जी। रिया की जमानत अर्जी पर उनके वकील सतीश मानचंद ने कहा था, किसी जल्दबाजी में नहीं हूं, पहले आदेश पढ़ूंगा फिर याचिका दूंगा। देश में बेकाबू है कोरोना की रफ्तार, 50 लाख से ज्यादा हुई मरीजों की तादाद, 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 1,290 लोगों की मौत, अब तक 82,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के करीब 18,000 नए मामले, 10,77,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मामले, 3,17,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में फिर तेजी से बढ़ रही है कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 4,200 से ज्यादा नए मामले। बिहार चुनाव पर सियासी हलचल तेज, एलजेपी बिहार एनडीए में रहेगा या नहीं इसका फैसला आज। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान करेंगे फैसला, सांसदों के साथ 2 बजे बैठक। 7 सितंबर को हुई संसदीय बोर्ड की बैठक, 143 सीटों पर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने पर ऐलान, आज इस पर लगेगी मोहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर में आरएसएस के समर्पण कार्यक्रम में होंगे शामिल। योगी सरकार दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों की लेट लतीफी पर सख्त कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। राजस्थान के झालावाड़ में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, 10 पिस्टल, 3 देशी कट्टे और 2 लग्जरी कार बरामद। गुजरात के गोधरा में एनआईए की छापेमारी, जासूसी कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। झांसी में खुदकुशी के इरादे से युवती ने नदी में लगाई छलांग, मछुआरे ने बचाई जान। झांसी में टोल प्लाजा से गुजर रही बस में दर्दनाक हादसा, खिड़की के बाहर निकालने पर यात्री का सिर धड़ से कटा। लखनऊ में टीचर की बेरहमी, ट्यूशन पढ़ने आए 8 साल के मासूम को बेरहमी से पीटा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।